आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग। जनपद औरैया के अजीतमल क्षेत्र ग्राम अमौता का मामला है, जहां एक भाई ने दूसरे भाई के मकान पर कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, अपनी बूढ़ी मां को भी घर से धक्का मारकर बेघर कर दिया है। राधा सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मेरा परिवार काफी समय से राजस्थान कोटा में प्राइवेट कंपनी में कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। वह गांव अमौता में उनकी बूढ़ी सास रहती हैं, जिन्हें देखने वह स्वयं व उनके पति आए थे। घर आकर देखा कि देवर राम कुमार सिंह ने पूरे मकान पर कब्जा कर लिया है, तो उसने अपने देवर से एक कमरा बनाने को जगह मांगी, तो देवर ने पड़ोसी शिव कुमार के बहकावे में आकर कमरा नहीं बनाने दे रहा है। कई बार सामाजिक व प्रशासनिक समझौता कराया गया, जिसको मानने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, उसने अपनी 75 वर्षीय बूढ़ी माँ को भी घर से बेघर कर दिया, जिससे वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। जब मीडिया ने बूढ़ी माँ वीरवती से बात की, तो उसने पहले तो कहा कि हम अपने बड़े पुत्र के पास कोटा चली जाऊंगी, जब बड़ा बेटा भी नहीं रखेगा तो नहर में कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। इतना ही नहीं, राधा सिंह ने पुलिस प्रशासन को मामले के संदर्भ में अवगत करा दिया है। थाना पुलिस ने राम कुमार व राजेंद्र सिंह आदि के नाम मुकदमा लिखकर कार्यवाही शुरू कर दी है। औरैया से जाहिद अख्तर। क्या मारपीट में इनको नाम है छोटे भाई रामपाल राजपाल राम कुमार जो नहीं रहने देगा। अगर जो आपको मान लो आपको दोनों में से कोई बच्चा नहीं रखेगा तो आ नहर में क्या करोगे?
है, फैसला मानने के बाद फिर उसके बाद जब इन्होंने मेटेरियल मंगा लिया। भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी। ये बात सही है, ये बड़ी ऐसी बात है। बना लो बाहर चबूतरे पे बना लो अब।